प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 33 में से 30 जिलों में बारिश हुई है। जैसलमेर, बूंदी और बारां को छोड़कर सभी जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा बरसात उदयपुर ज़िले के कोटड़ा में करीब 4.5 इंच दर्ज हुई है। वहीं उदयपुर के अलावा भरतपुर और अलवर के एक दो इलाकों में भी 3 इंच से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मानसून की इस रफ्तार से उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त में जो कम बरसात हुई थी उसकी रिकवरी इस महीने होने की उम्मीद है। सितंबर शुरू होने के बाद अब तक राज्य में रुक रुक कर हर जगह बारिश हुई है, जो अगले 7 से 8 दिन चलने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम एक्टिव हुआ है उसके कारण 15 सितंबर से राज्य में अच्छी बरसात होगी। वहीं जयपुर के भी कई इलाकों में बारिश हुई है, तो वहीं पर्यटक और धार्मिक स्थलों पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मौसम का लुत्फ उठाया। खबर सुमेरपुर से, जहां पर जवाई बांध के सहायक सेई बांध के टनल के गेट खोले गए। आपको बता दें कि वर्तमान में सेई बांध का गेट 3.70 मीटर पर है और 8 घंटे के अंदर जवाई बांध में पानी आ जाएगा और सेई बांध टनल खोलते ही जवाई का जलस्तर भी बढ़ जाएगा। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में विगत दिनों जारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। रविवार को कहीं फुहारे घिरी तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई, तो कहीं दिन भर सूखा रहा। सुबह आसमान में घनघोर काली घटाएं छाई रही और झमाझम बारिश का दौर चला। झमाझम बारिश के बाद नदी नाले एक बार फिर से उफान पर रहे। महिषी भंवर माता मंदिर के समक्ष 70 फीट ऊंचाई से गिरने वाला झरना अपने पूरे यौवन के साथ गिरता नजर आया। पाली के बाली स्थित सेई बांध में बारिश से पानी की अच्छी आवक हुई है। ऐसे में पानी की निकासी के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में सेई बांध के गेट खोले गए। आपको बता दें कि पानी छोड़ने पर नदी में नमी होने के कारण अधिक मात्रा में पानी जवाई बांध में पहुंच जाएगा और पानी की सीजर नहीं होगी, जिससे पेयजल के लिए अधिक पानी मिल सकेगा। खबर भीलवाड़ा के सवाईपुर से है, जहां पर खजीना गांव में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ऐसे में रक्तदान को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला, तो पहली बार आयोजित हुए शिविर में 31 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण कोऑर्डिनेटर गणपत जांगिड़, सुनील डार समेत कई लोग मौजूद रहे। पाली के रानी स्थित खिमाड़ा में मेघवाल समाज की ओर से देव छठ पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान मेघवाल समाज ने गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला, वहीं अलख निरंजन मंदिर पर ध्वजा भी चढ़ाई। झालावाड़ के आवर में पर्युषण पर्व के समापन पर जैन समाज ने बरघोड़ा निकाला। इस दौरान बरघोड़ा जैन मंदिर से शुरू होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। वहीं जुलूस के दौरान समाज के लोगों ने सभी से मिच्छामी दुक्कड़म बोलकर सभी गलतियों के लिए क्षमा याचना की। भीलवाड़ा की दाड़ीवाला एकेडमी में स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतियोगियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया ब्यूटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अशोक पालीवाल ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नई प्रतिभाओं को आगे लाना है और ऐसी प्रतियोगिता से उनके आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आपको बता दें कि विजय होने वाली प्रतियोगी पहले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आज हम दाढ़ीवाला सैलून एकेडमी भीलवाड़ा में एक बहुत ही बड़े इवेंट के लिए इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे स्टेट स्किल डेवलपमेंट का कंपटीशन हो रहा है। उसमें 2 सब्जेक्ट पे हो रहा है, ब्यूटी थेरेपी एंड हेयर ड्रेसिंग। तो इस कंपटीशन के बाद यहाँ से रीजनल कंपटीशन होगा, रीजनल के बाद नेशनल कंपटीशन होगा और नेशनल कंपटीशन के अंदर जो सेलेक्ट होंगे उनको वर्ल्ड स्किल्स के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे।
तो ये भारत सरकार का बहुत ही बड़ा कदम है। हम राजस्थान सरकार भारत सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। स्किल इंडिया स्टेट कॉम्पिटिशन में दो सेक्टर्स में काम हुआ है, पहला ब्यूटी और दूसरा हेल्थ से। जो ब्यूटी का हुआ है उसमें 5 कॉम्पिटिटर्स है और जो हेल्थ का हुआ है उसमें 2 कॉम्पिटिटर्स है, 3 आए हैं इसमें, इसमें भी 5 थे। और क्योंकि राजस्थान सरकार इस कॉम्पिटिशन को अभी ऑर्गेनाइज कर रही है और बाकी NSDC करती है, उसी का प्रोजेक्ट है ये। यहाँ से जीतने के बाद रीजनल पे जाएंगे, रीजनल से ये वहाँ से जीतने के बाद में ये फिर वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे। स्टेट के बाद में जो भी इन लोगों को ट्रेनिंग्स वगैरह है वो सारा गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। देन जो 1999 के बाद के बर्थ के हैं वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जयपुर में एडवांस स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के अंडर चल रही रियल क्रिकेट टैलेंट संस्था ने इस सीजन में चयनित कुल 47 खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप में फुल किट बैग और यूनिफॉर्म्स देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश जोशी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चयनकर्ता शामिल हुए। इस दौरान रवि प्रकाश झाझड़ा और सचिव अभिषेक शर्मा ने बताया कि ये 47 खिलाड़ी पूरे भारत से शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में मेंटर मोहन चतुर्वेदी, RCT चेयरमैन रवि प्रकाश और सचिव अभिषेक शर्मा मौजूद रहे।